अगले कॉलर से बातचीत कर लेते हैं। दिलीप है हमारे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से। दिलीप गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। हाँ जी, मैंने रिलायंस शेयर 200 शेयर 1100 के रेट से 2009 में लिए हुए हैं और आज तक मार्केट में कभी भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का 1100 के ऊपर पहुंचा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, 6 साल हो चुके, मुझे क्या करना चाहिए? सुमित 1100 की खरीद है और हायर लेवल पर इन्होंने खरीदे रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक और 958 पर अभी ट्रेड कर रहा है। इनके खरीद के बाद वापस पहुंचा ही नहीं है इन स्तरों पर, अभी क्या करना चाहिए? देखिए, ये स्टॉक रेंज में ही लग रहा है। रिलायंस ने नो डाउट पिछले 3-4 सालों में बिल्कुल भी रिटर्न नहीं दिया, एक रेंज में घुमा है और अभी भी ऐसा लग रहा है कि जब तक ये स्टॉक ऊपर में 1100 के ऊपर जाता नहीं है तब तक इसमें कोई फ्रेश ब्रेकआउट देखने नहीं मिलेगा और इसी रेंज में घूमने मिलेगा ऐसा लगता है। आई थिंक अगर ये अगर इसमें निकलना चाहते हैं तो इस बार जब भी ये 1050 या 1100 के आसपास आता है, 1050 के लेवल इसमें जरूर आ सकते हैं। जैसे ही ये 990 के ऊपर क्लोजिंग देगा तो 1050 से 1080 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं, तो तब आए तो ये निकल के चांस ले सकते हैं। दूसरा का अच्छा स्टॉक जो मार्केट में अभी परफॉर्म कर रहा हो वैसा ले सकते हैं, क्योंकि रिलायंस के अंदर मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा ब्रेकआउट आएगा, ऐसा रेंज में ही घूमेगा ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। फिलहाल के लिए होल्ड की सलाह रहेगी, जब तक ये 910 का लेवल ब्रेक नहीं करता है होल्ड करें, ऊपर में 1050 के आसपास आता है तब प्रॉफिट बुकिंग कर लें। जी बिल्कुल, चलिए तो फिलहाल होल्ड की सलाह यहाँ पर आपको दी गई है। अगले सवाल भी ले लेते हैं हमारे पास, जो अगला सवाल आया है। दर्शक हमारे साथ एक फोन लाइन पर मौजूद हैं, चेन्नई से हमारे साथ कृष्णा जी मौजूद हैं। नमस्कार कृष्णा जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, एक्चुअली मैं हिंदुस्तान बजाज हिंदुस्तान में काफी सारा इन्वेस्ट कर रखा हूँ। आपने बजाज हिंदुस्तान में निवेश किया है? व्हाट आर द लेवल्स दैट यू परचेस्ड इट? I have been purchasing right from 422 and now my average cost is 110 rupees per share. 110 rupees per share. Approximately 27,000 shares I am holding. All right. Okay. ठीक है. So I just want to know whether these levels can, if it can touch back these levels in another 5 years. Right. ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश जी, कंसर्न यहाँ पर काफी है कि हालांकि हमने पूरे ही शुगर स्पेस में बहुत ही अच्छे लेवल्स देखे हैं, हाल में बहुत ही अच्छा रन अप देखने को मिला है, पूरे ही स्पेस में 200 से लेकर 1000% तक के भी रिटर्न्स देखने को मिले हैं, लेकिन बजाज हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं एवरेज प्राइस जो इनका 110 का है, सलाह क्या देंगे आप इनको? देखिए, जिस तरीके की इनकी खरीद है 400+ रुपीज से और अब एवरेज 100 रुपये का 110 का है, क्वांटिटी भी बड़ी है, कहना बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लेवल्स इनके हैं वो आने में मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दबाजी में कुछ आने वाला है। जो भी पॉजिटिव्स थे ऑलरेडी, इतनी शुगर के स्टॉक्स के भाव बढ़ गए हैं, मुझे लगता है सारे डिस्काउंट हो चुके हैं इस वक्त। हालांकि जो मिल गेट प्राइसेस है वहाँ अच्छी बढ़त देखने को मिल रही है, रिटेल में 40-42 रुपये के आसपास शुगर बिक रही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद शुगर एक पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटी है और जैसे ही और ज़्यादा भाव बढ़ेंगे पॉलिटिकल प्रेशर इसमें आएगा और वहाँ पर प्राइस कैप होने लगेगा। मुझे लगता है कि इतनी बड़ी उम्मीद ना करें, यहाँ से 10-15% की और बढ़त आए वहाँ पर अपना थोड़ा लॉस काट लें और किसी दूसरे सेक्टर में निवेश कर लें। बिल्कुल, ह्यूज लॉसेस में है और जब ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पे होता था 2006 में, तब की इनकी परचेजिंग है, तब इनका जो ऑल टाइम हाई जो स्टॉक का वो 480 के आसपास का है, तब इन्होंने शेयर्स खरीदे, अलग अलग लेवल पे जरूर खरीदे हैं जिससे इन्होंने अपने एवरेज कॉस्ट कम करने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद भी अभी ह्यूज लॉसेस में है। अगले कॉलर हमारे साथ है बातचीत करने के लिए, धीरज कालरा जयपुर से। धीरज गुड मॉर्निंग, क्वेश्चन पूछिए अपना। मैडम मेरे पास इंफोसिस है, इंफोसिस और बीसीएस दोनों होल्ड करता हूँ। मैडम मैं दोनों परचेजिंग प्राइस क्या है आपका? इंफोसिस 1090 53 शेयर एंड 22 शेयर टीसीएस के हैं मैडम 2180 मैडम। हाँ मैडम, मैंने इनका नजरिया मैडम 10-10 साल का है मैडम, 10-10 साल को इससे पहले कोई बेचने की जरूरत नहीं है। मैं जो भी साल का नजरिया, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपने दोनों ही स्टॉक ठीक ठाक लेवल पर ले रखे हैं, फिर भी आपको राय दिलवा देते हैं मैडम। पर जैसे अभी ब्रेक्जिट का जो आया था ये, हाँ तो ब्रेक्जिट का इम्पैक्ट तो शॉर्ट टर्म में आ सकता है ऐसा ज्यादा ब्रोकरेज फर्म्स ज्यादा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं, लेकिन क्योंकि आपका 10 साल का नजरिया है तो इस वजह से आपको घबराने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। और अच्छी बात यह है कि दोनों स्टॉक्स आपने अच्छे प्राइस पर लिए हुए हैं। हालांकि आज एक जेफरीज की रिपोर्ट भी आई जिसमें उन्होंने कहा है कि नियर टर्म में ब्रेक्जिट इंपैक्ट आईटी स्टॉक्स पर देखा जा सकता है, आने वाले कुछ क्वार्टर्स को लेकर कंसर्न थोड़ा सा बना हुआ है। टीसीएस पर हमने कल देखा था बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने डाउनग्रेड किया था ब्रेक्जिट इंपैक्ट की वजह से ही। इन्फोसिस में हाल ही में हमने देखा था मैनेजमेंट की ओर से स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि आने वाले जो कुछ क्वार्टर्स हैं वो थोड़े से चैलेंजिंग रह सकते हैं। लेकिन सुमित, क्या सलाह होगी आपको इनकी? 1090 पर इन्फोसिस है, 2140 के स्तर पर टीसीएस है, दोनों स्टॉक्स इनकी खरीद बहुत से तो ऊपर ही है।
देखिए स्टॉक बहुत अच्छे हैं, स्टॉक में ओवरऑल स्ट्रक्चर भी अच्छा है, दोनों स्टॉक से ज्यादा बेटर मुझे इंफोसिस लगता है। इंफोसिस ने ओवरऑल अपनी तेजी मेंटेन करी है और ऊपर लेवल से करेक्शन देने को तैयार नहीं है, बाकी आईटी स्टॉक्स ने फिर भी करेक्शन दी है। लॉन्गर टर्म होराइजन है इनका तो घबराने वाली बात नहीं है, इनफैक्ट लोअर लेवल्स अगर कभी भी मिलते हैं तो एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, एक्जिस्टिंग पोजीशन को होल्ड करने की सलाह रहेगी टीसीएस और इन्फोसिस दोनों पर। इन्फोसिस अगर यहाँ से वापस रिबाउंड लेता है तो ऊपर में हमको इजीली शॉर्ट टर्म में 1250 से 1300 के लेवल दिखाएगा, अभी 1160 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और जहां तक टीसीएस का सवाल है, टीसीएस अभी चल रहा है 2500 के आसपास, शायद हो सकता है कि ये 2450 तक या 2400 के लेवल शॉर्ट टर्म में एक बार दिखाए, बट ओवरऑल ये अभी एक बार शॉर्ट टर्म में अगले 3 महीने तक ऐसा लग रहा है कि नीचे में 2400 और ऊपर में 2650 की रेंज रहेगी। जैसे ये 2650 का स्तर तोड़ेगा तो 2850 से 2900 के लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल लॉन्गर टर्म होराइजन के लिए दोनों स्टॉक पॉजिटिव है, होल्ड करने की सलाह रहेगी। जी, टीसीएस और इन्फोसिस दोनों पर ही आप बने रह सकते हैं लंबी अवधि के लिए। अगले दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है, राजस्थान से हामिद ने हमें कॉल किया। नमस्कार हामिद, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम, मेरे पास टाटा पावर है 300। ठीक है, किस भाव पर आपने खरीदा है? 61 के भाव से खरीदा, 3 साल का नजरिया है मेरा। ऑल राइट, चलिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको प्रॉफिट भी अभी हो रहा है। राजेश जी, 3 साल का नजरिया है, 60 रुपए पर खरीदारी की हुई है टाटा पावर में, सलाह क्या देंगे? बिल्कुल बने रहे, एक तो कंपनी अच्छे ग्रुप को बिलोंग कर रही है, दूसरा कारोबार ठीक ठाक है, हाल ही में इन्होंने वेल्सपन की यूनिट खरीदी है। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि उस खरीद की वजह से थोड़ा दबाव देखे जाए, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ जाएंगे, बट लंबी अवधि में चूंकि इनका नजरिया 3-4 साल का है, बिल्कुल बने रहे स्टॉक में। जी, बने रहने की सलाह है आपको। अगले कॉलर से बात कर लेते हैं, और अगले कॉलर हमारे साथ हैं, राहुल हैं अहमदाबाद से। गुड मॉर्निंग राहुल, क्या सवाल है आपका, पूछिए। गुड मॉर्निंग मैडम, बताइए। अच्छा, मैंने ए टू जेड लिए हुए हैं 1000 शेयर्स, और एवरेज ए टू जेड मेंटेनेंस, ठीक है, वो 1000 शेयर लिए, एवरेज है 121 का, एवरेज बाइंग प्राइस 121 का है, काफी नुकसान में है आप। हाँ, तो आपने अलग अलग लेवल्स पे खरीदोगे, कब से खरीदारी कर रहे हैं शेयर में आप? लगभग 400 से जब से स्टार्ट हुआ, 400 से स्टार्ट, यानी अगेन आपने भी, जब स्टॉक पीक पर था तब आपने खरीदे हैं। हाई मेरे ख्याल से 400 इसका ऑल टाइम हाई है ए टू जेड मेंटेनेंस का। क्या सलाह होगी सुमित, ह्यूज लॉसेस में है और 400 रुपए के लेवल से ये स्टॉक खरीद रहे हैं, 400 का इसका ऑल टाइम हाई हुआ करता था और तब से कंसिस्टेंटली करेक्ट ही हुआ है शेयर, हालांकि 7 रुपए के लो से तो फिर भी रिकवर कर चुका है, लेकिन अभी भी काफी नुकसान में है, क्या करना चाहिए इनको? यस, एब्सोल्युटली, मुझे नहीं लग रहा है स्टॉक में फिलहाल कोई दम है, इनके भाव आने में बहुत समय लग सकता है, स्टॉक में कोई बड़ा कुछ पैटर्न भी नहीं दिख रहा है, और इनफैक्ट कुछ लुक्रेटिव भी नहीं लग रहा है मुझे। मेरी सलाह तो इस स्टॉक के अंदर फिलहाल सेल की है, लेकिन अब इन्होंने जब इतनी ऊपरी लेवल से लेके होल्ड किया हुआ है तो थोड़ा समय इसमें और होल्ड कर सकते हैं। सिर्फ इन्हीं के लिए ये सलाह होगी कि अगर इनको ये पोजिशन होल्ड करनी है तो 38 के आसपास का अभी भाव चल रहा है, 28 रुपये वापस अगर ये नीचे में ब्रेक करेगा तो फिर ये वापस खराब हो जाएगा, और कुछ महीनों या हो सकता है 6 महीने से साल भर का व्यू भी निकल जाए, तेजी नहीं आएगी। तो 28 रुपए का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से अगर ये पोजीशन होल्ड करना चाहे तो बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। पुल बैक के अंदर ये स्टॉक इमीडिएटली एक बार यहाँ से ऐसा लगता है कि 70 रुपए तक जा सकता है, अगर वो भी 50 रुपए के ऊपर ब्रेकआउट आता है तो तेजी आने में बहुत समय लगेगा। अगर ये होल्ड करते तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 28 के एसएल से होल्ड करें, मेरी सलाह इसमें सेल की रहेगी। जी, अगला सलाह ले लेते हैं, हमारे पास सवाल जो आया है, इनफैक्ट दर्शक हमारे साथ बिहार से पंकज जी जुड़े हैं। नमस्कार पंकज जी, पूछिए अपना सवाल। पंकज जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? चलिए इनका सवाल ले लेते हैं। पंकज जानना चाहते हैं डीएचएफएल के बारे में, 106 शेयर्स हैं इनके पास, 210 की इनका परचेजिंग प्राइस है, थोड़ा सा नुकसान जरूर हो रहा है, लेकिन हाउसिंग स्पेस से, हाउसिंग फाइनेंस स्पेस से राजेश जी, डीएचएफएल आपको कैसा लगता है, क्या बने रह सकते हैं? बिल्कुल बने रह सकते हैं, क्योंकि एनबीएफसी एज स्पेस एज ए होल में मुझे लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां आउट परफॉर्म करेंगी, जिसके कई कारण हैं। एक तो लो कॉस्ट हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, इन सब चीज़ों के जो गवर्नमेंट का नज़रिया है, उसके बाद इन कंपनियों में थोड़ा सा हलचल देखने को मिलेगी। लेकिन हमारी पर्सनल राय ये है कि बेटर कंपनी स्पेस में LIC हाउसिंग फाइनेंस और GIC हाउसिंग फाइनेंस है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि दीवान हाउसिंग खराब है और या नहीं बने रहना चाहिए, बने रह सकते हैं, बट अगर आप स्विच कर लें तो बेहतर रिटर्न की उम्मीद कर सकते हैं।